और कोरोना संक्रमण काल के कारण सभी विद्यालयों को बंद करने के आदेश के बाद अब जिले में संक्रमण नियंत्रित हो जाने पर पुनः स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर निजी विद्यालय संचालक संघ ने ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले में संचालित सभी निजी विद्यालय को कोरोना संक्रमण काल के चलते शासन के नियमानुसार व आदेश के बाद बंद कराया गया था। वहीं अब दुर्ग जिले में कोविड-19 नियंत्रित हो जाने के कारण स्कूलों को पुनः खोले जाने की मांग को लेकर सोमवार को निजी विद्यालय संचालक संघ के बैनर तले विद्यालय को प्रारंभ करने अनुमति प्रदान करने के लिए दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में बंद होने से ऑनलाइन कक्षाएं तो संचालित हो रही थी, वहीं कई गरीब बच्चों के पालकों के पास ऑनलाइन मोबाइल न होने के कारण पढ़ाई का भी प्रभावित हो चुकी है। अतः विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए वार्षिक परीक्षाएं नजदीक आ रही है। ऐसी स्थिति में परीक्षा के पूर्व कुछ दिनों तक स्कूल प्रारंभ करके उन्हें परीक्षा संबंधित तैयारियां कराई जा सके, जिसके चलते उन्हें स्कूलों को खोलने का आदेश देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्कूल बंद होने से बच्चों का तो काफ़ी नुकसान हुआ है। बच्चे ऑनलाइन में हम पढ़ाई कराते हैं, बच्चे मोबाइल चालू करके इधर उधर घूमते रहते हैं और सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। साथ ही जितने भी निजी विद्यालय हैं उनको भी काफ़ी पिछले 3 सालों से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम स्टाफ को फीस नहीं दे पा रहे हैं, यही समस्या है। और आने वाला भविष्य में ताकि बच्चों को अच्छी, अभी स्कूल खुल जाने से हम पढ़ाई करवा सकें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सके। निजी विद्यालय संचालक संघ जिला दुर्ग से जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देने आए थे। दुर्ग जिला के सभी विद्यालय बंद हैं, जो अभी दुर्ग जिला में हमारे सामान्य स्थिति हो जाने के कारण आज हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किए कि सभी विद्यालय प्रारंभ किया जाए ताकि बच्चे परीक्षा के पूर्व रिवीजन कर सके और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके ताकि परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित करके अपना पास करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।